हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू सोनो दोस्तों मैंने फाइनली देख लिया है लाल बाजार नाम का वेब सीरीज जो जी फाइव पर हाल ही में रिली, रिसेंटली रिलीज हुआ था आई थिंक तीन चार दिन पहले बहुत इसके रिकमेंडेशन आ रहे थे और आप लोग चाह रहे थे कि मैं इसका रिव्यू करूं दोस्तों टू तो बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मुझे वेब सीरीज अब मैं क्या बोलू क्वाइट uh, वॉचबल लगा डिसेंट लगा आई मीन नथिंग एक्स्ट्रॉडनरी आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल एक्जियोप्रिंट आउट ऑफ द बॉक्स और ब्रिलियंट बट मुझे ये डिसेंट लगा इन पार्ट्स क्वाइट वॉचेबल लगा इन पार्ट्स जब ये वेब सीरीज शुरू होता है पहले के दो तीन एपिसोड्स काफी अच्छा फास्ट पेस्ड है कोई आलतू फालतू का डायलॉग्स या सीन्स वगैरह नहीं है मतलब टू द पॉइंट रखा है विच रियली कैचेस योर अटेंशन टू अ गुड मेजर उसके बाद चौथे पाँचवें छठवें एपिसोड में थोड़ा सा डिप होता है थोड़ा सा बोर्डम आने लगता है विच अगेन वैनिश एंड द वेब सीरीज अगेन पिक्सअप to a little more uh, better level in the last two or three episodes. कुल मिलाकर 10 episodes हैं. अब पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, 10, 12, 13, 14, 15 episodes का web series please मत बनाइए. Web series आप सात या maximum आठ, आठ भी नहीं सात episodes का web series बना के रखिए. क्योंकि जब हम web series खोलते देखने के लिए, आप खोलते देखने के लिए, the first thing that we notice is how many episodes are listed. और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन क्या है तो एक एक एपिसोड अगर आप 40-50 मिनट के रखते हो तो इंटरेस्ट थोड़ा डिम हो जाता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्योंकि एक थॉट आ जाता है मन में ये मैं वापस बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी एसेंशियल वेन द ऑडियंस स्टार्ट थिंकिंग दैट यार ये बहुत लंबा वेब सीरीज है तो पहले से अंदर एक नेगेटिविटी आ जाता है तो सात एपिसोड्स रखो खत्म करो अगर सात एपिसोड्स का होता लाल बाजार तो बहुत बहुत अच्छा बन सकता था बट दस एपिसोड्स में थोड़ा ड्रैग होते आपको नजर आएगा दोस्तों तो फिल्म फिल्म बोल रहा हूँ वेब सीरीज का स्टोरी है अबाउट कोलकाता बेस्ड है कोलकाता का पुलिस को बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व करना है एक पर्टिकुलर मर्डर मिस्ट्री है जो उनको पजल कर दिया है इट्स अबाउट द मर्डर ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट अब उस प्रोस्टिट्यूट को किसने मारा है वो फाइंड आउट करने उन लोग लगते हैं और बीच बीच में दूसरे बहुत सारे यू नो केसेस आते हैं जो उनको सॉल्व करना पड़ता है तो एज आई सेट द स्टोरी बिगिनस ऑफ वेरी वेरीवेल दीरीज बिगिनस ऑफ वेरी वेल इन द फर्स्ट थ्री एपिसोड इज क्वाइट फास्ट पेस्ड and the kind of mystery that is weaved around the murder and all it keeps the audience interest sufficiently engaged sufficient not not to a great extent sufficiently आपको engaging लगेगा but उसके बाद dip होने लगता है ये web series का सबसे major problem ये है कि एक police crime thriller story में एक रश होना बहुत जरूरी है एक टेंशन वाला माहौल होना बहुत जरूरी है तो ही वो ग्रिप आपको मिलेगा एज एन ऑडियंस एज एन ऑडियंस आप हमेशा यू शुड बी ऑन योर टोज यूर टोजिंग पुलिस बेस्ड क्राइम थ्रिलर तो दैट समवेयर डाउन द मिसिंग एंड आफ्टर अ अ पॉइंट स्पेशली यू 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 रीच द फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड विल गेट फीलिंग दैट आर परहैप्स पॉइंटलीफिसो क्राइम पेट्रोल क्योंकि वो माहौल वो टेंशन वो एटमोसफियर वो एनवायरमेंट जो क्रिएट किया गया है वो एग्जैक्टली क्राइम पेट्रोल जैसा लगने लगेगा आपको एंड दैट इज वेयर यू नो द सीरीज स्टार्ट डिपिंग अ बट

Uh, रोब दे है वो भी अच्छा एक्टिंग किया है सुब्रत दत्त है सुपर एक्टिंग किया उन्होंने um, बाकी आई थिंक गौरव चक्रवर्ती बहुत अच्छा एक्टिंग उन्होंने भी किया है सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है दिस दिस पर्टिकुलर एक्टर आई वाज ट्राइंग टू फाइंड हिस्स नेम आई जस्ट वुड फाइंड हिस्स नेम बट ही रियली इंप्रेस मी विथ दिस कॉमिक टाइमिंग उनके और उनके वाइफ के बीच में थोड़े बहुत डर्टी टॉक्स होते हैं विच इज विच मेक्स फॉर अ नाइस

एक्टिंग में मैं सबका तारीफ किया बट द वन पर्सन हु रियली रियली स्टोर माई हार्ट विथअर एक्टिंग विथअर ब्यूटी विथअर स्क्रीन प्रेजेंस इज दिस एक्ट्रेस कॉल्ड सौरा सैनी मित्रा फॉर मी सौरा सैनी मित्रा वॉज एक्चुअली द स्टार ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ये आर सुपॉप सुपॉप लगा मेरे को ये मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ स्क्रीन पर एंड आई वॉज डैम शी गोजर कवर डिस्काइज एज कैच अलन तो वो विलन इसको देख के ही स्टार्टेटिंग डिजायर एंड ही मतलब वो ही शोषण करना चाहते हैं तो वो टाइम पे जब वो अंडर कवर होती है शी इज प्लेइंग अ कॉप इन दिस सीरीज लेकिन वो अंडर कवर जब जाती है और वो जो लचक उनके चेहरे पे लेके आती है टू सेड्यूस दैट मैन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ एक्टिंग पोटेंशियल दिस एक्ट्रेस हैज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव लास्ट एपिसोड में भी सारी वारी पहन के आती है अगेन शी गोजर कवर वेरी इंप्रेसिव देयर एज वेल ऑफकोर्स सीजन टू में Uh, उनको लेके काफ़ी और शायद यू नो दिखाया जाएगा क्योंकि सीज़न वन जिस मोड पे एंड होता है वहाँ पर उनका एक मेजर रोल है तो सीजन टू आई एम श्योर विल बिगिन विथ हर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सौरा सैनी मित्रा यू रियली हेल्प माई अटेंशन इन दिस एंटायर वेब सीरीज ब्रिलियंट एक्टिंग दोस्तों और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा As far as थ्रिल और रश गो जो मैंने कहा विच वेंट मिसिंग इन दिस सीरीज इफ़ द डायरेक्टर एड फोकस्ड ऑन दैट द सीरीज कुड है फार वेल मेड फार फार बेटर टू वॉच लाइक फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर सीन में एक पुलिस ऑफिसर का बेटी को किडनैप किया जाता है जब पुलिस उन वो बेटी को ढूंढने जाते हैं तो वो थ्रिल महसूस नहीं होता है दिखने वो थ्रिल दिखता नहीं है उनके चेहरे पे हो या वो पूरे सीन में हो दूसरा एक सीन है जिसमें एक माँ और एक बेटा बहुत ही एक मिस्टीरियस पैर uh, है उन लोग अकेले रहते हैं एक अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो चल रहा है वो अपार्टमेंट में तो जब पुलिस पहुंचता है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वहाँ पे अगेन वो टेंशन वाला माहौल या तो थ्रिल वाला माहौल दिखाई नहीं देगा एज एन ऑडियंस बहुत ही कैजुअल वे में सबको शूट किया गया और प्रेजेंट किया गया विच रियली किल्स द चार्मिस सीरीज अकॉर्डिंग टू मी बट देन अगेन आई विल रिपीट इट इट्स अ मॉडरेटली सफिशेंटली डिसेंटली वेल मेड सीरीज विच यू कैन एन्जॉय इन पार्ट्स में, क्योंकि सर्टन सेक्शन आर गुड सर्टन सेक्शन आर नॉट दैट गुड आई विल गिव दीरीज टू पॉइंट फाइव स्टार जी फाइव पर अवेलेबल है जिसके सिने में नहीं देखा जाकर देखिए जिसके सिने में देखा है मुझे बताना आपको इस सीरीज कैसे लगा फॉर द मोमेंट सोनप सेस टाटा